तो जवान को मैं अभी देख के आया और इसको मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा और वो है बूम। मास फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट इफ दैट इज डायरेक्टेड बाय अटली। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मूवी टू द एंड ऑफ द मूवी कहीं भी मोमेंट में लोगों का चिल्लाना कम नहीं होता और देयर आर मेनी हीरोज इन द इंडस्ट्री बट व्हेन इट कम्स टू शाहरुख खान देन वी सेलिब्रेट हिज एवरी स्टेप हिज एवरी मूवीज लाइक ए फेस्टिवल। तो अगर मैं मूवी की बात करूं तो ट्रेलर में आपको जो सारे एलिमेंट को दिखाया गया था उसको फास्ट हाफ में कवर किया गया है और जो इंटरवल प्लॉट के टाइम में भाई देखना देयर आर नो वन इन द सीट बिकॉज एवरी वन ऑन द टॉप ऑफ द सीट दे आर ग्रूविंग दे आर शाउटिंग फॉर SRK SRK दैट इज ऑल द वे एंड ऑल द वे। अटली के सारे मूवी में जो एक चीज स्टैंड आउट करता है वो है इमोशन और इस मूवी में इमोशन को जिस ढांचे से तैयार किया गया है उसका क्या ही कहना मेरे यार। तो मूवी के फास्ट हाफ में एक ऐसा इमोशनल सेगमेंट आता है जो कि आपको रुलाने के लिए काफी है। उस मोमेंट में मैं खुद रो उठा था। उस मोमेंट में क्या हुआ था ना, उस बेटे के पिता खुदकुशी कर लेते हैं लेकिन वो क्यों किया था और किस वजह से किया था वो आपको ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा और आप वो देख के आना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना कि आपको क्या हुआ, तब आप क्या सोच रहे थे। वो इमोशनल सेगमेंट और इंटरवल प्लॉट को छोड़ने के बाद वो फर्स्ट हाफ मुझे काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल नजर आया बट द सेकेंड हाफ इज जस्ट फैंटास्टिक। आप वहां पर मग्न हो जाओगे और जो कंटेनर वाला सीन आप देखे होंगे ट्रेलर में वही सीन हमको देखने को मिलता है सेकेंड हाफ के अंदर और वही था मेरा सबसे फेवरेट पार्ट और आप कंप्लीटली ब्लोन इट अवे हो जाओगे उसको देखने के बाद। तो इस जवान मूवी का जो सबसे बड़ा मेजर एसेट था वो था इसका BGM और उसका BGM हर फ्रेम के अंदर जान झोंक देता था और अनिरुद्ध यू आर ए फैंटास्टिक सुपरस्टार मैं कहना चाहूंगा भाई। आप इस फील्ड के ऊपर राज कर रहे हो और आप राज भी करोगे बिकॉज जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो यू आर ट्रिमेंडियसली द बेस्ट पर्सन टू राज कर सकते हो जो इस फील्ड के ऊपर। तो सेकेंड हाफ के अंदर क्या हुआ ना, वहाँ पर माँ और बेटे के अंदर प्यार दिखाया जाता है और वहीं पर जो एक म्यूजिक प्ले होता है और जिस हिसाब से उसको BGM के वे में रिप्रेजेंट किया जाता है भाई वो आपका आंख कंप्लीटली नम कर सकता है। उसके अंदर वो दम है वो जो कि आपके आंख को नम कर सकता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहले विजय सेतुपति का नाम कहना चाहूंगा। वो भाई दमदार दिखाई देते हैं फ्रेम के ऊपर, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका रिप्रेजेंटेशन और भाई उनका जो बातें हैं भाई, जो वो हिंदी कहते हैं भाई उनके मुंह से एक स्वीटनेस वाला फील आता है। और भाई नेगेटिव एक्टिंग कहोगे तो कहोगे विजय सेतुपति, ही डिफाइंस द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। वो है सबसे दमदार एक्टर और कंप्लीट मूवी में जवान के मूवी के अंदर सबसे बेहतर एक्टर और सबसे बेहतर एक्टिंग किए हैं विजय सेतुपति। माय नेम इज काली। SRK का क्या ही कहना, वो तो है लास्ट ऑफ द स्टार और ऐसे स्टार्स बहुत कम ही देखने को मिलता है बॉलीवुड के ऊपर। वो एक वर्सटाइल एक्टर है, अगर आपको वो पता भी नहीं तो इस फिल्म को देखने के बाद आप मानोगे, आप ये लोहा मानोगे कि वो एक वर्सटाइल एक्टर है। ऐसे सारे जो सेगमेंट है बहुत सारे अवतार को वो यहाँ पर कवर करते हैं और सारे मोमेंट में वो कॉमिक सीक्वेंस हो गया, वो इमोशनल वाला ग्रैबिंग एलिमेंट हो गया और उसी के साथ वो जो एक एंटरटेनमेंट वाला चीज़ था ना, सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। और भाई देखो हर मोमेंट में जवान के अंदर आप देखना कि टेम्पो चेंज होता है, हर बार टेम्पो चेंज होता है और उस हर टेम्पो के साथ वो अपने कैरेक्टर को भी चेंज करते हैं SRK एंड SRK द लास्ट ऑफ द स्टार विदाउट एनी डाउट। ये तो आलिया भट्ट। तो फिल्म एंड होने से पहले ही क्लाइमेक्स सीन से पहले हमको एक बहुत ही बेहतरीन SRK का मैसेज देते हैं और वो लगभग 5 से 10 मिनट का एक मैसेज होता है, उसको अच्छी तरीके से सुनना बिकॉज इतना तालियों का बोछार आपको देखने को मिलेगा कि आप उसको अच्छी तरीके से सुन ही नहीं पाओगे। एंड नयनतारा मैम एज फ्लैम्बॉयंट वो भाई कंप्लीटली गर्दा उड़ा रहे थे ऑन द फ्रेम। तो इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किरदार थे, अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही कम होता, अगर उनका परफॉर्मेंस खराब होता तो ये फिल्म बदतर से बदतर भी हो जा सकता था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सनाया मल्होत्रा हो गए, संजीता भट्टाचार्य हो गए या फिर प्रियामणि हो गए या फिर रिधि डोगरा, यहाँ पर उन सब का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और भाई सुनील ग्रोवर को आप मिस मत करना, वो बंदा जब आपको देगा ना भाई एक झटका देगा तब आप देखना शौक हो जाओगे भाई, मैं कहना चाहूँगा। और इस फिल्म को मैं देना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार और मैं कहना चाहूँगा 7,000 700 करोड़ इंडिया में इसको कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इट विल गोना बी ए बिगेस्ट हिट ऑफ 2023 विदाउट एनी डाउट।
और अटली का क्या ही कहना भाई, मास फिल्म मेकिंग विथ इमोशन ग्रैबिंग एलिमेंट दैट कैन डू ओनली अटली एंड नो वन इन इंडियन सिनेमा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो आने का कोशिश रहेगा।